हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो हम चौसर की कैंटरबरी टेल्स की लाइन ब लाइन सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं। लगभग इसके 6-7 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कैंटरबरी टेल्स का पूरा प्रोलॉग लाइन ब लाइन और वर्ड टू वर्ड समझें तो हमारी इस प्लेलिस्ट को आप शुरू से फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, आज हम बात करेंगे द फ्रायर की। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो द फ्रायर। अ फ्रायर देयर वॉज अ वेंटोन एंड अ मैरी, कि उन पिलगिम्स में एक फ्रायर भी था। देयर वॉज अ फ्रायर यानी उन जो 29 वो फ्रायर्स वो सॉरी 29 या 30 जो पिलगिम्स थे उनमें से एक फ्रायर था, अवेंटोन एंड अ मैरी, जो काफ़ी गुड नेचर और खुश रहने वाला था। मैरी खुश रहने वाला और वेंटन गुड नेचर, यानी उन पिलगिम्स में एक फरायर भी था जो काफ़ी गुड नेचर और खुश रहने वाला था। ठीक है, आगे देखें। अलेमिटोर अफुल सोलेमन मैन, के कैसा है अलेमिटोर, के एक इलाके में मांगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि गुरुकुल या जो पुरानी जो गुरुकुल हैं या इस तरह के जो चर्चेज हैं या जो मदरसे होते थे पहले टाइम में, तो बच्चों को एक इलाका दे दिया जाता था जहाँ से उनको अपने जो खाना है और जो कुछ भी उनको लेना होता था वो इस इलाके से मांग लिया करते थे। आपने ये सब चीज़ें गुरुकुल में देखी होंगी। ठीक है, तो जैसे कि नालंदा में आपने देखा है कि वहाँ पर बाकायदा ऐसे चीज़ों को मांगा जाता था अलग अलग इलाकों में जाकर। तो अलेमिटोर या फ्रायर कैसा है, ये भी उसी टाइम का है, यानी ये भी एक इलाके में मांगता है। ठीक है, लेमिटोर एक इलाके में मांगने वाले लोग को, जो किसी के लिए कोई इलाका दे दिया जाता है, कोई जगह दे दी जाती है, स्थान दे दिया जाता है, तो उस जगह में जाकर वो अपने लिए खाने वगैरह को इकट्ठा किया करता था। अलेमिटोर यानी एक खास स्थान से मांगने वाला है फ्रायर, अफुल सोलेमन मैन और बेहतरीन इंसान है, फुल सोलेमन मैन और एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर, और जो चारों ऑर्डर हैं क्रिश्चियनिटी में, जो चारों ऑर्डर हैं फ्रायर के, उन सबको वो जानता है। ठीक है, चारों ऑर्डर्स को भी वो जानता है। सो मच ऑफ डेलियंस एंड फेयर लैंग्वेज, गपशप भी करता है। डेलियंस बोलते हैं गपशप करना। ठीक है, यानी सो मच ऑफ डेलियंस, गपशप भी करता है लेकिन किसका ख्याल रखता है, फेयर लैंग्वेज, बेहतरीन जबान में, यानी कभी भी अपनी गपशप को गलत नहीं होने देता, अपनी जबान को खराब नहीं होने देता। हमेशा गपशप के समय में वो क्या ख्याल रखता है, फेयर लैंग्वेज, अच्छी भाषा बोलता है, अच्छी बातें बोलता है गपशप के अंदर भी। ही हैड मेड फुल मैनी अ मैरिज, और उसने कई शादियां भी कराई हुई हैं। ठीक है, उस इलाके में जो स्थान उसको दिया हुआ है उसका उसको पूरा ख्याल रखना है, तो उस इलाके में उसने कई शादियों का भी बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है, ऑफ द यंग वुमेन एट हिज ओन कॉस्ट अनटू हिज ऑर्डर ही वॉज अ नोबल पोस्ट, तो उसने जो शादियां कराई हैं, शादियों का जो बंदोबस्त किया है किनका, ऑफ यंग वुमेन, नौजवान लड़कियों का, जो जवान लड़कियां हैं उसके इलाके में, एट हिज ओन कॉस्ट, अपनी जेब के खर्चे से, उसने अपनी जेब के खर्चे से अपने इलाके की जो जवान लड़कियां हैं उनकी शादियों का बंदोबस्त किया है। ऑन टू हिज ऑर्डर ही वॉज अ नोबल पोस्ट, ऑन टू हिज ऑर्डर, और अपनी अपने स्तर पर, अपने लेवल पर वो क्या है, ही वॉज अ नोबल पोस्ट, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। यानी अगर हम एक फरायर को लें तो वो अपने लेवल पर, अपने स्तर के लोगों में वो कैसा है, नोबल मैन है, काफ़ी अच्छा इंसान है। जो गरीब लोग हैं, शादी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी जेब से उन नौजवान लड़कियों की शादी का भी बंदोबस्त करता है। फुल वेल बिलव्ड एंड फेमिलियर वाज ही, बिलव्ड यानी उसको पसंद किया जाता था, वेल बिलव्ड बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता था, एंड फेमिलियर और उसको जाना जाता था, गरीब लोग हों चाहे अमीर हों सब उसको पसंद करते थे और उसको जानते थे। विद फ्रैंकलिंस, जो ज़मींदार लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं उसको अमीर लोग भी जानते थे। ओवर ऑल इन हिज कंट्री, यानी उसके उस इलाके में, जिस गांव में या जिस जगह में वो रहता था, उस इलाके के लोग, उस एरिया के सब लोग, चाहे वो जमींदार चाहे वो गरीब आदमी हो, सब लोग उसको जानते थे और उसको पसंद करते थे। एंड एक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, और उस जगह की, उस इलाके की जो औरतें थी, जो वर्दी वुमेन थी, वो भी उसको जानती थी।
और पसंद करती थी। फॉर ही हैड, क्यों वो ऐसा कर रही थी? फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन। दोस्तों ईसाइयत में आपने क्रिश्चियनिटी में देखा होगा, जिसको लेकर मार्टिन लूथर ने भी काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की, इनमें क्या होता था कि पैसे ले लिए जाते थे, लोगों से पैसे ले लिए जाते थे और उनको इस बात के लिए यकीन दिलाया जाता था, इस बात का दिलासा दिलाया जाता था कि तुम पैसे दे दो हमें और तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं, जितने भी तुम्हारे पाप हैं, वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। जितने ज़्यादा कोई पैसे देगा उतने ही ज़्यादा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी पैसों पर बेस हो गई थी, तो उसी लिए ये लाइन यहाँ पर चौसर ने लिखी है, एंड एक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन। और जो इस इलाके की वर्दी वुमेन है, जो बड़ी लेडी हैं, पैसे वाली हैं या पापी हैं, गुनाहगार हैं, तो वो भी उसको जानती थी। क्यों? क्यों वो उसको पसंद करती थी? फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, क्योंकि इसके पास कन्फेशन की ऑथोरिटी थी। कन्फेशन वर्ड उसी के लिए इस्तेमाल होता है, पैसे लेकर किसी के गुनाह माफ़ करा देना, क्योंकि उसके पास ये पावर थी, ये अथॉरिटी थी कि वो किसी के भी गुनाह माफ़ करा सकता है। एज सैड हिमसेल्फ मोर देन एक्यूरेट, जैसे कि वो खुद कहता है, सैड हिमसेल्फ जैसे कि वो खुद कहता है, मोर देन एक्यूरेट के एक्यूरेट से ज़्यादा, एक्यूरेट से ज़्यादा, फॉर ऑफिस ऑर्डर ही वाज़ अ लाइसेंशियट, कि उसके पास फॉर ऑफिस ऑर्डर के वो अपने स्तर पर, अगर हम उसकी फ्रायर होने की बात करें, उसका एक स्तर लें, तो वो कैसा है? ही वॉज लाइसेंशियस, के उसके पास लाइसेंस है, के वो खुद कहता है कि क्यूरेट से ज़्यादा वो अपने स्तर पर ही वॉज लाइसेंसड, कि उसको लाइसेंस मिला हुआ है। देन अक्यूरेट, दोस्तों क्यूरेट ये नायब जो होते हैं ना, डिप्टी प्रीस्ट जो होते हैं, उनके लिए क्यूरेट का वर्ड आता है, सारी चर्च की पोस्ट हैं। तो कह रहे वो खुद कहता है कि क्यूरेट से ज़्यादा उसके पास अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, बस ये इसका मतलब है। एंड स्वीटली हर्ड ही कन्फेशन, ये कह रहे हैं कि स्वीटली यानी पूरी खुशी के साथ में हर्ड ही कन्फेशन, वो लोगों के गुनाह को सुनता था पूरे ध्यान से, पूरी सावधानी के साथ में, खामोशी के साथ में गुनाह को वो सुनता था। एंड प्लीजेंट वाज हिज एब्सोल्यूशन, और फिर इतना ही खुश होकर वो उनको माफ़ कर दिया करता था। दूसरे जो लोग थे वो लोगों को जो है कहते थे आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, लेकिन इसकी आदत नहीं थी चुपचाप गुनाह को कन्फेस करने देना दूसरे वाले को, और फिर खुशी खुशी उसको माफ़ कर देना, ये इसकी क्वालिटी थी। He was an easy man to pinounce. He wished to have a good pitons. ठीक है, पिनोन्स यहाँ पर माफ़ करने के आते हैं, और पिटोन्स यहाँ पर मुआवजे के, जो पैसे वगैरह मिलते हैं किसी के बदले में, उसके लिए पिटोन्स वर्ड है। देखेंगे ही वॉज एन ईजी मैन, कि वो बहुत ही सिंपल सा आदमी था। टू गिव, यहाँ पर यू माने गिव के आएंगे पिनोन्स, कि वो किसी को माफ़ करने के लिए बहुत सिंपल सा आदमी था, यानी वो ही मतलब है पिछली वाली लाइन के, कि वो खुशी खुशी किसी को माफ़ कर दिया करता था। देयर एज ही विश टू हैव, जब उसको पता चल जाता था, देयर एज ही विश टू हैव, जब उसको पता चल जाता था कि टू हैव के उसको मिलने वाला है अ गुड पिटोन्स, अच्छे खासे पैसे, जब उसको ये पता चल जाता था कि उसको अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो खुशी खुशी गुनाहगार को माफ़ कर दिया करता था। फॉर ऑन टू अप्रूव ऑर्डर फॉर टू यू, यू माने गिव के आएंगे, इज साइन दैट अ मैन इज वेल श्रीव, कह रहे हैं फॉर ऑन टू अ पुअर ऑर्डर, कि किसी गरीब फ्रायर को कुछ दे देना, यू माने देना, कि किसी पुअर के किसी गरीब फ्रायर को कुछ दे देना, पैसे वगैरह दे देना, इज साइन, ये इस बात का सबूत है, इस बात का साइन है दैट अ मैन इज वेल श्रीव, कि उस आदमी की बेहतर तरीके से, वेल श्रीव के बेहतर तरीके से उस आदमी की माफ़ी हो चुकी है, कि जो आदमी गरीब फ्रायर्स को पैसे दे दिया करता था, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा है, कि जो जितने ज़्यादा पैसे दे दिया करता था, ये समझा जाता था, ये इस बात का सबूत था, इस बात का साइन था कि उसकी माफ़ी अच्छे से हो चुकी है। फॉर इफ ही येफ, येफ माने देना, गेव के माने में आता है, फॉर इफ ही येफ यानी अगर वो आदमी जो माफ़ी कराना चाहता है, अगर वो इन फ्रायर्स को कुछ दे देता था, अगर वो आने वाला आदमी अपने गुनाह के बदले में इन लोगों को पैसे दे दिया करता था फ्रायर्स को, ही डोर्स्ट मेक्स अवॉन्ट, अवॉन्ट माने जोर देकर कहना, तो ये फ्रायर्स जोर देकर ये बात कहता था कि ही विश्ड, कि यही वो आदमी है, विश्ड माने इच्छा करना, कि यही वो आदमी है जो इच्छा कर रहा था, पूरी तरीके से इच्छा कर रहा था, किस चीज़ की? रिपेंटेंट,
अपने गुनाह की माफी कराने की। बहुत से आदमी आते होंगे, पैसे भी दिए बिना चले जाते होंगे, लेकिन अगर कोई पैसे दे दिया करता था इन गरीब फरायर्स को, तो ये फरायर्स कहता था कि देखो ये है वो आदमी जो असल में अपने गुनाह की माफी कराना चाहता है। फॉर मैनी अ मैन सो हार्ड इज ऑफ हिज हार्ट ही मे नॉट वीप ऑल्दो हिम अ श्योर स्मार्ट। यहाँ पर इन दोनों लाइन में वो कहता है कि फॉर मैनी अ मैन, के बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, सो हार्ड इज ऑफ हिज हार्ट, के जिनके दिल इतने सख्त होते हैं, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनके दिल इतने सख्त हो जाते हैं, वो इतने जो है पत्थर दिल हो जाते हैं कि ही मे नॉट वीप, कि उनको रोना ही नहीं आता। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनको रोना ही नहीं आता, इतने उनके दिल सख्त हो जाते हैं। ऑल दो हिम शोर स्मार्ट, देखें आगे कि या तो उनके दिल पत्थर हो जाते हैं या फिर सो स्मार्ट, या फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। बहुत सारे आदमी तकलीफ़ में होते हैं ज़्यादा, तो या फिर उनके दिल सख्त हो जाते हैं तो उनको रोना नहीं आता। तो देखो यहाँ दोस्त इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रिपेंट करने के दो तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि या तो आदमी अपने आंसू निकाले, यानी अगर किसी के आंसू गिर गए, एक भी आंसू अगर आंख से निकल कर गिर गया तो समझो वो माफ़ हो गया, और अगर आंसू ही नहीं निकले तो फिर रिपेंट नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रोने धोने से क्या फ़ायदा, जाओ पैसे दो और अपनी माफ़ी करा लो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चल रहा है। तो कह रहा है कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनके दिल इतने सख्त हो जाते हैं या वो बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं कि उनको रोना नहीं आता। Therefore, in the state of weeping and prayers, a man would give silver to the poor friars. ये कह रहे हैं इसलिए, therefore इसलिए, in the state of weeping, के रोने की जगह, and prayers और प्रार्थना करने की जगह, के रोने धोने की जगह और जो है प्रार्थना करने की जगह, इंसान को क्या करना चाहिए, man would give silver, के उसको सिल्वर के कॉइन दे देने चाहिए, मूट माने मस्ट, के उनको सिल्वर के कॉइन दे देने चाहिए, किसको, पुअर फ्रायर्स, इन गरीब फ्रायर्स को, कि अगर रोना धोना नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो फिर इन गरीब फ्रायर को आप चांदी के सिक्के दे दो तो यही आपकी माफ़ी के लिए काफ़ी हो जाएगा। हिज टिपेट वॉज ऑलवेज, ए माने ऑलवेज, ऑलवेज फॉर यूज फुल ऑफ नाइव्स। ये कह रहे हैं कि उसका जो टिपेट बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा एक थैले टाइप होता है जो बहुत ही खूबसूरत, इसमें रेशमी कढ़ाई हुई हुई थी, कि हिज टिपेट, उसका जो वो थैला टाइप है वो कैसा रहता है, हमेशा फुल ऑफ नाइव्स, चाकुओं से भरा रहता है, कि उसके थैले में हमेशा खूबसूरत चाकू भरे रहते हैं, एंड पिंस, और खूबसूरत पिंस उसमें भरे रहते हैं, क्यों, फॉर टू इवन, इवन माने गिविन, फेरी वाइव्स, फोर्टिविन यानी देने के लिए, फेरी वाइव्स खूबसूरत लेडीज़ को, कि खूबसूरत औरतों को देने के लिए हमेशा उसके थैले में पिंस और चाकू भरे रहते थे। एंड सर्टेनली ही हैड मैरी नोट, मैरी माने खुश, अच्छा, नोट माने गाना, कि वो बहुत अच्छे से, सर्टेनली निश्चित रूप से, ही हैड अ मैरी नोट, वो बहुत खूबसूरत गाना गा सकता था, वेल कुड ही सिंग, बहुत अच्छे से गाना गा सकता था, एंड प्ले ऑन रोट, रोट माने सारंगी, इस तरह का होता है, सारंगी की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट है, कि वो सारंगी बजाते हुए बेहतरीन गाना गा सकता था, ठीक है, एंड मेरी नोट, और बहुत अच्छे से उसके सुर निकाल सकता था। ऑफ यडिंग्स ही बियर ऑल्ट्रेली द प्राइस, ऑल्ट्रेली आसानी से, और यडिंग माने दोस्तों गानों के आते हैं, कि ऑफ यडिंग्स के गानों के अंदर ही बियर, वो जीत सकता था, है ना, वो जीत सकता था, यहाँ पर बार माने बोर, बोर माने जीतना, के गानों के अंदर वो जीत सकता था आसानी से, किसको, द प्राइस, इनाम, कि वो आसानी से इनाम गानों के अंदर जीत लेता था। हिज नेक वाइट, उसकी गर्दन कैसी थी, वाइट थी, सफ़ेद गर्दन थी उसकी, वाज एज द फ्लावर डी लेस लाइस, कह रहे हैं कि किसी सफ़ेद फूल की तरह, सफ़ेद फूल की तरह उसकी गर्दन सफ़ेद थी, और वो गानों के अंदर आसानी से इनाम जीत लिया करता था। देयर टू ही स्ट्रोंग वाज एज अ चैम्पियन, और वो स्ट्रोंग था, ताकतवर था, एक चैम्पियन की तरह, कि एक चैम्पियन की तरह वो काफ़ी ताकतवर था। ही न्यू, और वो जानता था, द टेवन्स, जो सराएँ हैं, जो रुकने की जगह हैं, वेल अच्छी तरह, इन एवरी टाउन, हर जगह, कि हर कस्बे में, हर गांव में जो ठहरने की जगह हो सकते हैं, जो सराय हो सकते हैं, वो हर सराय को बेहतर तरीके से जानता था, और वो एक चैम्पियन की तरह ताकतवर था। एंड एवरेज होस्टलर एंड टेपेस्ट्रे
बेड देन लेजर और अ बैगेस्ट्रे, कह रहे हैं कि एवरी होस्टलर, होस्टलर कहते हैं जो सराय का निगरान होता है ना, जो कीपर होता है, जो ठहरने की जगह होती है वहाँ पर एक कीपर होगा ना, तो उसके लिए होस्टलर आया है, कि वो हर एक होस्टलर को अच्छे से जानता है। एंड टेपेस्ट्री, और जो शराब खाने में है ना, जो बार के अंदर लड़कियां होती हैं, वो उनको भी बेहतर तरीके से जानता है, और सराय के कीपर को भी अच्छी तरीके से जानता है। बैट देन अ लेजर, एक कोढ़ी आदमी से, लेजर एक कोढ़ के बीमारी में जो लोग घिरे हुए हैं उनसे ज़्यादा जानता है। एंड बेगेस्ट्रे, बेगेस्ट्रे किसी भिकारन से, कि किसी भिकारन से, किसी कोढ़ी वाले आदमी से वो बेहतर तरीके से जानता है, एक होस्टलर को और एक बारमेड को, जो बार में काम करने वाली लेडी हैं। इसका मतलब, दोनों का मतलब, लाइन का मतलब ये है कि वो अमीर लोगों को ज़्यादा जानता है गरीब लोगों से। नीचे वाली लाइन गरीबों को बता रही है और ऊपर वाली लाइन अमीरों को, कि वो अमीरों को बेहतर तरीके से जानता है गरीबों के मुकाबले में। फॉर ऑन टू स्विच अ वर्दी मैन एज ही अकॉर्डेंट नोट एज बाई हिज फैकल्टी, ये कह रहे हैं क्योंकि अमीर लोगों से अगर वो जानकारी रखेगा तो ये इसके स्तर को, इसके लेवल को जो है सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर गरीब और बीमार लोगों से ही अपने वास्त अपना ताल्लुक बनाएगा, अपना जो है रिलेशन बनाएगा, तो ये चीज़ इसके इसकी जो एक योग्यता है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उसी के लिए लाइन कही है, फॉर ऑन टू स्विच अ वर्दी मैन एज ही, कि इस तरह के वर्दी मैन के लिए, एक काबिल आदमी के लिए ये चीज़ सही नहीं है, कि क्या, कि अकॉर्डेंट नोट एज बाई हिज फैकल्टी, कि वो गरीब आदमियों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखे, ज़्यादा उनसे रिश्ते बनाए, एज बाई हिज फैकल्टी, यानी जिस फैकल्टी का वो है, इस फैकल्टी में, इस तरह के लोगों में अमीर लोगों से अपने रिश्ते को बनाकर रखना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगली लाइन में फिर इस चीज़ को वो और जो है मोर एक्सप्लेन करेगा, कि टू हैव विद सिक लेजर्स एक्वेंटेंस, के टू हैव के रिलेशन रखना, जानकारी रखना सिक लेजर्स, के इस तरह बीमार कोढ़ियों से, सिक बीमार और लेजर्स कोढ़ के बीमारी जो है मरीज, तो इस तरह के कोढ़ के मरीजों से जानकारी रखना, एक्वेंटेंस बोलते हैं दोस्तों जानकारी को, के कोढ़ के मरीजों से जानकारी बनाकर रखना, इट इज़ नॉट ऑनेस्ट, कि ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट ऑनेस्ट, ना तो ये सही है, इट इज़ नॉट एवोन्स, और ना ही इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। एवोन्स होते हैं प्रॉफिट, क्या कोड़ियों से जानकारी बनाकर रखने से ना तो ये ऑनेस्ट होगा ना तो ये अच्छा होगा। अच्छा क्यों नहीं होनेगा, क्योंकि ये इसके स्तर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहाँ तो एक फ्रायर और कहाँ एक कोड़ का मरीज।